वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में जमकर हिंसा हुई थी। चुनाव परिणाम के बाद देर शाम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ घंटे पहले बंगाल में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही बंगाल में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी के अनुसार जय श्री राम का नारा लगाने से नाराज टीएमसी कर्मियों ने उसके पति की हत्या कर दी। ये घटना पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के केतुग्राम थाना के पांडुग्राम के पूर्व पाडा इलाके की है। ये वारदात कल देर शाम हुई। बीजेपी कार्यकर्ता सुशील मंडल के पेट में चाकू गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। सुशील मंडल की पत्नी ने हत्या के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको कि मोदी के शपथ ग्रहण में बंगाल के 56 परिवार शामिल हुए थे, जिनके अपने को राजनीतिक हिंसा के शिकार होना पड़ा था। उसके बाद भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बंगाल में सियासी बवाल लगातार जारी है। ममता बनर्जी एक पागल हो गया। ममता बनर्जी का इडलरी शासन जैसे चल रहा है ना, जैसे चले ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे चलता था, ये चलो हम तुमको खाने देंगे लेकिन तुम ब्रिटिश का साम्राज्य का ब्रिटिश का जितने सारे लॉर्ड ब्रिटिश का नाम करो, स्वाधीनता नहीं देंगे। तो ममता बनर्जी ऐसे पागल जैसी हो गया, पागल जैसी लड़की हो गया। जैसे ममता बनर्जी को क्या बोलेंगे, वो सोचता है जिसको पारो हैंग कर दो। उसका तृणमूल कांग्रेस वालों ने और पुलिस वालों ने एक सिंडिकेट बना के आज वर्धमान में एक फांसी में लटका दिया। मेरा एरिया में हेतिया में भी एक आदमी को मार दिया, फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रहे। ममता बनर्जी को बोल के जय श्री राम बोल रहे, क्या ये बुरा।